टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मजेदार शो विद आदि फैजान सीजन 2। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ठीक ठाक होंगे, आपका वीकेंड बड़ा अच्छा गुजर रहा होगा और ठीक 9 बजे आपने हमारा शो लगा लिया अपने वीकेंड में चार चांद लगाने के लिए। सबसे पहले आपके फीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके तमाम कमेंट्स में पढ़ता हूं। जैसे मैंने कहा, जिसमें तारीफें होती हैं उसको मैं बड़ा सराहता हूं, जिसमें गालियां होती हैं उसको मैं इग्नोर कर देता हूं, जिसमें सजेशंस होते हैं वो हमारी कोशिश होती है कि हम उसको इनकॉर्पोरेट करें और हमारा शो बेहतर से बेहतर होता जाए, खासतौर पर गेस्ट्स को लेकर, क्योंकि आप लोग बड़ा टू द पॉइंट ये करते हैं कि जी हमें इस गेस्ट को देखना है आप लोगों के साथ। तो हमारी पूरी कोशिश होती है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, क्योंकि गेस्ट्स की डेट्स होती हैं, उसके बाद उनकी जो मसरूफियत होती है उसके हवाले से, फिर हमारी भी थोड़ी बहुत मसरूफियत होती है उसके हवाले से। एक खास टाइम पर हम स्पेल करते हैं, तो उसमें हमारी कोशिश होती है कि आपके जो पसंदीदा लोग हैं उनको बुलाएं और उनको यहाँ पर बिठा के थोड़ा सा तंग करें, जैसे कि मैं और आदि करते हैं। आप लोगों की मुलाकात सबसे पहले कराऊंगा हमारे हाउस बैंड से, द कराची बॉयज, और उनके साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही पसंदीदा काशिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम काशिफ भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। हमारा शो जब रिकॉर्ड होता है तो उस वक्त कुछ और सूरत हाल होती है, जब ऑन एयर होता है तो कुछ और सूरत हाल होती है। इस वक्त बहुत जोर से बारिश हो रही थी कराची में जब हम लोग सब यहाँ आए, तो यासिर भाई मुझे लग रहा है अभी तक उसी हालत में है, लग रहा है कि बारिश बाहर चल रही है। कैसे काशिफ भाई, ठीक ठाक हैं आप? जी बिल्कुल। काशिफ भाई कितनी बारिश मिली आपको बाहर? ज्यादा तो नहीं हुई, लेकिन ज्यादा तो नहीं हुई, जगह जगह पे हो रही है थोड़ी बहुत। हाँ क्योंकि हमारे यहाँ तो 2-2.5 मिनट की बारिश होती है तो पता चल जाता है कि जी बारिश हुई है अभी अभी गुजरी है बारिश, ठीक है ना। तो जी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा अपने घर पे, और जब बात होती है मजे की तो बात होती है मेरे फनी और हाफ की। बहुत सारी तालियां जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर आदि अमजद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आदि भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आप फूलों में आ रहे हैं? आप हम दोनों फूलों में घूम रहे हैं। हम आजकल फूलों को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं, असल में बिन मांगे पानी मिल रहा है ना आज हमें, पानी मिल रहा है और मेरे समर्स में फूल जरा अच्छे लगते हैं। आदि भाई कितनी बारिश मिली आपको? मुझे ऐसी बारिश मिली है कि आगे से मैं सूखा हूँ पीछे से गीला हूँ। तो इसका क्या मतलब है? मतलब मैं जब घर से निकला तो बारिश नहीं हो रही थी। हाँ। जब मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला तो बारिश हो रही थी, मेरे पीछे वाली गली में बारिश नहीं हो रही थी, फिर मैं सिग्नल पे पहुंचा बारिश हो रही थी, तो अलग अलग जगह पे कहीं बहुत जोर से हो रही है और कहीं बिल्कुल सूखा हुआ। अच्छा एक चीज मैं एड्रेस करना चाहूंगा कि जब मैं घर से निकला तो बारिश मुझे पता था होनी आज। हाँ। तो मैं प्रोएक्टिवली थोड़ा पहले निकला टाइम से। हाँ। जब बारिश होने शुरू हुई तो मैं उस वक्त 3 तलवार के करीब था, तो इतनी तेज बारिश थी कि कुछ नजर नहीं आ रहा था, विजिबिलिटी कम हो गई। तो मेरे साथ 2-4 और पढ़े लिखे शायद आगे पीछे थे, हमने हैजर्ड्स खोले और हम साइड पे हो गए कि यार पीछे वालों को पता चले कि यहाँ गाड़ियां खड़ी हैं और जरा सब ये थम जाएगी तो हम चले। उसके बाद मेरे बराबर से कम अज़ कम कोई 6-8 बाइक वाले गुजरे जिन्होंने ना हेलमेट पहना हुआ था, जिनके पीछे बच्चे भी बैठे हुए थे क्योंकि स्कूल की छुट्टी हुई थी, और वो जा रहे थे बस, और वो टांगे भी तो हैंडल के ऊपर रखी हुई होती है, अजीब तरीके से जा रहे थे। और उसमें मेरी गाड़ी जो है वो तकरीबन आधी ग्रे कर दी उन्होंने, क्योंकि वो नहीं रुके। और मैंने कहा यार अल्लाह इनको हिफाजत से घर पहुंचाए, क्योंकि ना उन्होंने हेलमेट पहना हुआ है ना वो साइड पे हो रहे हैं। देखिए हमें हमारे यहाँ मसला ये, हमें सबर तो खत्म हो गया है ना। हाँ। चाहे वो ट्रैफिक में हो, चाहे वो गाड़ी चलाने में हो, चाहे वो बच्चे पैदा करने में हो, हमें हर चीज में जल्दी है, तो वो बड़ा मसला करता है अक्सर, लोगों को सबर की बड़ी जरूरत है। मेरे ख्याल से भाई आप, मैं कहता हूँ आपको अगर सबर नहीं भी है। हाँ। ये तो आपके अपने भले के लिए, जो बच्चा आपके साथ बैठा है उसके भले के लिए, बिल्कुल, जो लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ख्याल करें। अगर बारिश हो रही है तो हमारे यहाँ का जिस तरह का निज़ाम है उसमें थोड़ा सा अपना ख्याल करें प्लीज, और कोशिश करें जब पानी जमा हुआ हो या पानी खड़ा ना चले पैदल। हाँ। क्योंकि माशाल्लाह कोई भी तारे तो हमारे यहाँ ऐसे लटक रही है ना जैसे नाक से चीजें लटकती हैं। तो कोशिश किया करें जहाँ पानी हो वहाँ ना चले फिरे, ऐसा ना हो एकदम से आपको करंट लगे आप चार्ज हो जाए। हाँ। तो ये ना किया करें, दूर आ करें पानी से, ठीक है। ये तो हमने कर ली आज की बात जो आज की ताजा खबर, पता नहीं जब ऑन एयर होगा तो पता चले बहुत सख्त गर्मी चल रही है, लोग बोले कहाँ की बातें। मेरा काशी भाई से आज एक सवाल है। ओह माय गॉड, काशी भाई कैसे हैं? जी ठीक ठाक। आप, मैंने आपको देखा आप एक दूसरी जगह शो करके आए। अरे यार मत करो ये बातें, नहीं ऐसी पूछ रहा हूँ, कैसा लगा आपको, आपने शो किया एक बार? जी एक दिन बुलाया था उन्होंने, फिर क्या हुआ उसके बाद? बस अच्छा फोन उठाना छोड़ दिया। ये अपडेट उन लोगों के लिए जो किसी को बुलाते
और उसके बाद जब उनको नहीं बुलाना होता तो उनको शर्म आती है फोन करके ये बोलने में कि यार आपकी जरूरत नहीं है, बजाय उसके वो उनका फोन उठाना छोड़ देते। कोई बात नहीं, आज भाई कोई बात नहीं, कोई नहीं, बात है हमारे, हम लोगों को इंसानियत की जरूरत है। इंसान के बच्चे बने, इंसान के बच्चे बने, ठीक है। आपने जिस तरह कहा था कि जी लोग चार्ज हो जाते हैं क्योंकि तारे, आज की जो हमारी गेस्ट है, आज की जो हमारी गेस्ट है बिल्कुल मौसम के हिसाब से, मौसम के हिसाब से। और एक बड़ी मजे की बात आदि भाई ने उनके बारे में की, जब वो हम उनका वेट कर रहे थे वो आ रही थी, क्योंकि आपको पता है बारिश का सीन था आज, तो आदि ने कहा कि यार हम कितनी देर में शो शुरू करेंगे, तो मैंने कहा 30 मिनट्स में, शी इज अबाउट टू बी हियर, वो आएंगी और वो अपना मेकअप टचअप करेंगी और हम शुरू करेंगे। तो आदि ने कहा उनको मेकअप की जरूरत है, वो भी मेकअप करती हैं। मैंने कहा थोड़ा बहुत तो स्क्रीन के लिए करना पड़ता है, शाइन हो जाती है वो। नहीं यार, हमारे यहाँ बहुत कम लोग हैं जो शायद मेकअप के बगैर भी स्क्रीन पर आ जाएं तो वो बिल्कुल वैसे ही लगेंगे जैसे वो हैं माशाल्लाह से। इनसे मेरी बड़ी अच्छी, जैसे कहते हैं ना कि एक एसोसिएशन है, एक बड़ा ज़बरदस्त रिलेशनशिप है। इनके साथ मैंने बहुत सारा काम भी किया है। एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर हैं, उसके साथ साथ बहुत ही ज़बरदस्त होस्ट हैं, उस सबसे ज़्यादा एक बहुत ही खूबसूरत और नफीस खातून है। हमारे कहने पर वो आ तो गई हैं और मुझे लगता है कि आज हमारे कान उड़ जाएंगे। ऐसा ना हमारे कहने पर आ गई, उनके कहने पर हमें यहाँ से जाना पड़ जाए। नहीं नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत मज़ा आएगा। आप सबकी भरपूर ताली में जो कि आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर इना बयान। सुनो ये भी कुछ होता है, ये होता है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, आइए जी बैठिए, वेलकम टू द मजेदार शो। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हैं। कैसी हैं आप? ये इस लड़के ने कहा कि अच्छी है। उनको क्यों मेकअप करना है, वो भी मेकअप करती है क्या? मैंने कहा हाँ। सोचते फायदा कोई होता नहीं, लोग वैसे ही पहचान लेते हैं, वो मास्क भी लगाया हुआ है तो उनको पता चल जाता है। नहीं, आप देना तो चाहिए, आप तो सिर्फ अपनी आंखें भी दिखा देना। हाँ, किलोमीटर दूर दिखाऊं आंखें? दिखाऊं? नहीं नहीं, आप मत दिखाएं, वैसे बड़ी अच्छी आंखें आपकी, आप बहुत प्यारी हैं। और ये मैं आपको बार बार कहना चाहता हूँ कि आप बहुत प्यारी, क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं आपके कान ना मरोड़ूं, इसके मरोड़ चुकी हूँ ना इसलिए। नहीं नहीं, आप तो मरोड़ सकती हैं कान। आप तो मरोड़े ताकि आप थोड़े सुधर जाए। हाँ, कैसी आप? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र। इतना मजेदार जो आपका सफर है काम का, मतलब होस्टिंग, फिर एक्टिंग, फिर माशाल्लाह आप सीरियस एक्टिंग, फिर कॉमिक एक्टिंग, फिर हर चीज़ माशाल्लाह करती चली जा रही हैं, क्या क्या फार्मूला है इसके पीछे इतनी एनर्जी बरकरार रखने का? फार्मूला नहीं है। अच्छा, ये वजह है ही नहीं। आजकल तो फार्मूला बड़ा इन है हर चीज का, नहीं, कहते हैं। नहीं नहीं, वो दूसरे वाला फार्मूला है, वो वाला ऐसे मजे का होता है, देखिए मुझे डर लगता है उससे। आपको वाला फार्मूला नहीं, पहले मेरे मैनेजर से बात करो, फिर बात करूंगी। कौन सा मैनेजर? अच्छा, खुद ही मैनेज करना पड़ता है। अच्छा, तो आपका वो वाला नहीं हुआ अभी तक टेंट्रम के जो पहले मैनेजर बताएगा? मेरे कोई ऐसे नखरे नहीं है ना, क्या मैं मजदूर किस्म की इंसान हूँ। मैं कहती हूँ काम करना है, उसको हलाल करना है, ईमानदारी से करना है, मैनेजर ने क्या करना है? कभी किसी ने आपको ये बोला है ना जी, एक मैनेजर तो रखे कम से कम एक हजार दफा है? तो फिर आपने कहा छोड़ो, नहीं करना, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। तो आपको लगता है कि इसके बगैर भी कामयाब हो सकते हैं? मुझे लगता है इसके बगैर आप जिम्मेदारी खुद उठाते हैं ना। बिल्कुल भाई, अगर मुझे कोई अपनी डेट्स देनी है या मुझे अपना काम देखना है, अब मैनेजर क्या मेरे लिए स्क्रिप्ट पढ़ेगा? मैं ही पढ़ूंगी ना, खुद ही पढ़ना पड़ेगा, ऐसा तो मैंने ही करना है। अच्छा, स्क्रिप्ट मांगो तो हैरान होते हैं क्या करेंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कहते हैं कि आपको स्क्रिप्ट भी चाहिए। अच्छा, अब आप पढ़ेंगे क्या? आप पढ़ेंगे भी? कैसी बात है ना, अजीब सी बात है। लगता है आप बहुत बड़े हो गए, आप स्क्रिप्ट मांग रहे हैं। हाँ, नाराज हो जाते हैं। हम तो वैसे छोटे से हैं, हमेशा से स्क्रिप्ट मांगते हैं, क्या करें। वाओ, लेकिन आपने स्क्रिप्ट के अलावा भी बहुत सारा काम किया जिसमें स्क्रिप्ट होती ही नहीं है। वो मैं चाहता हूँ वहाँ से शुरू करें, क्योंकि आपका सफर वहाँ से शुरू हुआ गालिबन। मैं इस वक्त अपने मैके में बैठी हूँ वैसे। जी बिल्कुल, जी जी बिल्कुल, मेरा सफर टीवी का यही शुरू हुआ था। अरे वाह वाह, सारे बड़े नाम दिए इन लोगों ने ना, एक हम ही आकर रुक गए। उन्होंने कहा सारे बड़े दे दो, छोटे नाम दे दो। अभी सफर जारी है, जारी है, हमारा इंग्लिश वाला जारी है असल में। वो होता है, वो इंग्लिश उर्दू साथ साथ चलते हैं। नहीं नहीं, बताया ना कैसे शुरुआत हुई होस्टिंग का सिलसिला? होस्टिंग का सिलसिला बस इस तरह शुरू हुआ था कि एक प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट बनाया था, ठीक है, और सीमा जी को कोई मिल नहीं रहा था उसको आगे बढ़ाने के लिए, तो मुझे बिठा दिया कैमरे के आगे। मैंने कहा भाई ये काम मुझसे नहीं होता, कैमरे के पीछे वाला काम करवाएं, आगे वाला नहीं कर सकते हम, ठीक है। लेकिन उन्होंने नहीं सुना, आप जानते हैं वो कैसी हैं। जी, पीछे वाले काम से क्या मुराद थी आपकी? आपने कहा मैं डायरेक्शन करना चाहती हूँ, प्रोडक्शन करना चाहती हूं। कॉन्सेप्ट बनाया था शो का, ठीक है, और उन्होंने कहा कि बनाओ, बनाकर दे दिया और सारी चीजें भी लाइन अप कर दी। आप बनाया तो भुगतो फिर खुद ही, ऐसा वाला सीन। अब वो ये था कि अपने में बना तो दिया, करेगा कौन, करेगा कौन, करेगा कौन, तो फंस गए। फिर आपने उसको करके निभा के दिखाया, कर दिया, फिर निभा दिया, फिर उसके बाद वो ऐसी कोई गाड़ी निकली कि फिर वो हम एंकर बने, तो फिर हम जर्नलिस्ट भी बन गए, फिर हमने बड़े मुश्किल मुश्किल किस्म के इश्यूज के ऊपर बात करना शुरू की, जो लोगों को हजम ही नहीं होते थे। थी, बिल्कुल, लेकिन हजम भी हुई, बात भी हुई, आज बड़ा याद आता है शो। मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ क्योंकि जब आपने वो शो किया था उस वक्त वाकई बात हजम करना या बात अपनी दूसरे तक पहुंचाना एक बड़ा सवाल था कि जी टीवी पे ऐसी बातें कर रहे हैं, और अब बड़ी लीनियंसी। आप देखें कि टीवी पे ऐसी बातें हुई,
जी, लोगों ने हजम भी की हजम बिल्कुल, और लोगों ने उसके ऊपर सोचा भी और उसके ऊपर काम भी हुआ, और उसके बाद माजरत के साथ बहुत सारे वैसे शोज बनाए भी गए, नहीं बने, कोशिश लोगों ने की, नहीं कोशिश की, भाई कोशिश की, कामयाब नहीं हुए वो एक अलग बात है, लेकिन कोशिश की, अच्छा यार वो अलग कर लेते हैं, अब तो लीनेंसी आ गई है थोड़ी सी, ये तो है। तो फिर आपने कहा कि जी अब मैं कर रही हूँ तो बस मैं ही करती रहूंगी, बस वो कर रही थी, फिर उसके बाद पता नहीं, वो कहते ना कुछ प्लान तो किया नहीं था, अल्लाह की मर्जी थी, ये जरूर था कि जहाँ हो जो काम भी करना है करना ईमानदारी से, वाह वाह, तो चाहे वो कॉमेडी है या चाहे वो सीरियस काम है या वो इंटेंस किस्म की वो वाले इश्यूज है जिनमें वाकई स्क्रिप्ट नहीं होती थी, बल्कि उस स्क्रिप्ट में अनस्क्रिप्टेड चीज ये होती थी कि कोई गोली भी कहीं से आकर लग सकती है, हिडन कैमरे भी रखे हुए होते थे, हिडन माइक्स भी होते थे, तो इंटरेस्टिंग था, एडवेंचरस था, फुलफिलिंग था। अब आपका दिल चाहता है कि मैं जाऊं एंड आई डू दैट अगेन, आई वुड लाइक टू डू दैट अगेन, लेकिन अब किसी चैनल में इतनी हिम्मत हो जो मेरा साथ दे, लेकिन आजकल तो हर बंदे का अपना चैनल है ना, YouTube ने हर किसी को मालिक बना दिया चैनल का, कभी सोचा आपने मैं वेब पे भी करूं, सोशल मीडिया ने सबको जबान भी दे दी है, जिसका दिल चाहता है फतवा लगा देता है, जिसका दिल चाहता है कुछ भी कह देता है, जी जी जी, तो जैसे आप कह रहे थे ना कि जब गालियां वालियां होती हैं तो उनको इग्नोर कर देना चाहिए, ऐसे ही है, लेकिन कभी कभी जब वो बातें, गालियां तो नहीं, गालियों पर तो मैं कहती हूँ कि मैं निकाल के बाहर कर दूंगी, ब्लॉक कर दूंगी, यू हैव नो राइट टू बी अब्यूसिव ऑन माय पेज, एग्जैक्टली, लेकिन जहां पर डिबेट या डिस्कोर्स होता है वहां मैं जरूर जवाब देती हूँ। लेकिन हिना जी, आपको नहीं लगता कि अब हम अगर हम डिबेट करते हैं खासतौर पे सोशल मीडिया को लेके, तो लोग बहुत जजमेंटल हो गए हैं, लोग बहुत ज्यादा जज करते हैं कि जी अच्छा ये तो इस तरह सोचते हैं, अच्छा ये तो ये है, लेकिन लोग तो जज करेंगे, वो तो उनका नाम है, एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट, लेकिन आई फील कि अगर आप थोड़ा सा तहम्मुल से काम लें, जो बात आपने करनी है उसको सलीके से तमीज से करें, तो वो आगे वाला भी जरा सलीके और तमीज से बात कर लेता है, सुन लेता है, और कई दफा आप कन्विंस कर भी लेते हैं, मतलब ऐसा भी होता है बाद में एक मैसेज आ जाते हैं, सॉरी मैम गलती हो गई, हम जज्बाती हो गए, हमने पूरी बात सुनी नहीं, हमने पूरी बात या हमने आधी बात सुनी, वन साइडेड सुना कुछ, तो मैं ये कहती हूं ना पूरी बात सुनकर ठंडा करके खाया करो भाई, गरम गरम क्यों मुंह को जलाने वाली बात है। मेरे साथ एक बार हुआ, मेरे इनबॉक्स में एक मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप, मैं आपको बहुत पसंद करती हूं और मैं आपसे ना जायज ताल्लुक रखना चाहती हूं, शादी का, तो जाहिर सी बात है ऐसा मैसेज था तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया, मैंने कहा यार इस पे मैं क्या बात, अच्छा मैं समझी कहोगे मैंने जवाब दे दिया, नहीं आप सुने तो फिर उसके बाद उन्होंने दो दिन बाद मैसेज किया कि देखिए आपने मेरा मैसेज देख लिया, मैं कोई आपसे ऐसी ऐसी बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो शादी करना चाहती हूँ, आपकी अम्मी से मिलना चाहती हूँ, मैंने फिर इग्नोर कर, फिर तीसरा मैसेज आया, देखिए मुझे पता आप पढ़ रहे हैं, आपकी दिल में भी फीलिंग्स जाग रही है, लेकिन आप मुझे, चौथे मैसेज में गाली, पांचवे में गाली, माँ बहन की गालियां देना शुरू हो गई मुझे, ओ भाई तीसरे के ऊपर ही ब्लॉक कर देना था ना, चौथे पे गई, नहीं मैंने तो सारी गालियां पढ़ के एंजॉय किया, फिर उसके बाद कहती है सॉरी मैं गुस्से में आ गई थी जरा, मैंने कहा मैं पहली बिहेवियर बता दूं, शादी कर ली और आगे जो गुस्सा आ गया मैंने मारेगी, अगर कर लेते शादी उससे तो फिर मेरा क्या होगा। अच्छा मैं ये सुन रहा था ये, क्योंकि हमें पता भी है वैसे कि जी कैमरे के पीछे और फिर कैमरे के आगे आ जाना, कभी कैमरे के आगे आने के बहुत टाइम बाद ऐसा लगा कि यार कैमरे के पीछे होती तो ये कर लेती? नहीं अभी भी सोचती हूँ, अभी भी सोचती मैंने है? कभी कुछ प्लान ही नहीं किया, हो सकता है कभी कैमरे के पीछे फिर चली अचानक से चली अचानक से चली जाऊँ, हाँ हाँ, वो गो विद द फ्लो वाली बात, इंपल्सिव सीन है। नहीं कभी कभी गुस्सा आने लगता है ना, वैसे तो आई बीन वेरी लकी स्पेशली एज एन एक्टर, आई बीन वेरी लकी क्योंकि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतने अच्छे लोग मिले हैं काम करने के लिए, बेहतरीन डायरेक्टर्स, अच्छा कुछ ऐसे भी उनमें जो लोग कहते हैं हम उनके साथ काम नहीं कर सकते, मेरी तो बड़ी अच्छी उनके साथ सही चलती है और बड़े अच्छे वो तब एक पेज पे आ जाते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अपनी जगह होता है बल्कि उससे अच्छा एक क्रिएटिव प्रोसेस होता है, अगर सब लोग एक ही तरह से सोच रहे होंगे तो क्या निकलेगा, ये बात भी सही है, सो आई एंजॉय दैट, लेकिन कभी कभी बड़ा गुस्सा आता है कि यार ये चीज यूं होनी चाहिए थी, और वहां मुझे लगता है कि शायद मैं किसी दिन धमकी दे रही हूँ लिखना शुरू कर दूंगी, लिखना शुरू कर तो लिखे ना प्लीज, और बनाएगा कौन जो मैं लिखूंगी? भाई आप लिखें तो सही, तो कौन नहीं बनाएगा? हाँ आप लिखें तो सही, ख्याल है आपका। अच्छा ऐसे भी हो रहा है? हाँ मैं कुछ नहीं, पॉपुलर नहीं हूँ। अच्छा क्यों क्यों नहीं, क्या बात कर रही हैं आप, झूठ नहीं बोलती। नहीं नहीं प्लीज आप लिखें, आप लिखेंगी तो आई एम श्योर बहुत सारे लोग सीरियस होंगे उसको लेके, बिल्कुल आप प्लीज लिखें। अच्छा मैं एक और सवाल जी पूछिए, आप क्योंकि माशाल्लाह आप सीनियर हैं और बहुत रिस्पेक्टेबल सीनियर हैं और मैंने भी थोड़े से सीनियर्स के साथ काम किया, आपने कभी किसी का सीन कटवाया है? कभी भी नहीं, कि यार ये क्या मैं खड़ी रहूं और ये बोलता रहेगा नया लड़का। भाई देखो मेरी सिंपल सी फिलॉसफी है कि अगर प्रोजेक्ट ने कामयाब होना है तो सीन अच्छा लगना चाहिए, सही है, उस सीन में मैं नहीं नजर आनी चाहिए, वाह उस सीन में कैरेक्टर्स होने चाहिए, अगर उस वक्त सीन इनके कैरेक्टर के हिसाब से ज्यादा उस तरफ जा रहा है तो वो हक है इनका,
आई थिंक ये बड़ी स्टुपिड सी इनसिक्योरिटी है. मैं कहूँ जी मैं नजर आऊँ और मैं ही बोलती रहूँ तो इसका मतलब है कि फिर मैं नजर आ रही हूँ लेकिन सीन तो ना बना. Which brings me to the question कि किसी ने आपका सीन कटवाया कभी? ये दसे वे तो फिर आपने क्या किया? कब कटवाया? उस वक्त कटवाया या थोड़ा? अरे उसी वक्त वही. आप सोचे की एक कॉमेडी अगर हो हाँ जी ठीक है और आप लोग तो करते हैं आपको पता है एक सीन जहाँ खत्म होता है वो अगला वाला सीन से जुड़ा होता है. क्यों से जुड़ा होता है? ऐसे ही है. पता चला कि वो क्यों जो था वो बनता नहीं था क्योंकि वो हर दफा एंड में वो खातून इम्प्रोवाइज कर देती थी. अरे वाह. अरे भैया. और डायरेक्टर उनसे कुछ कह नहीं सकते थे तो ये था कि सीन शुरू भी उनसे होना और खत्म भी उन पर होना है. तो फिर मैंने कहा भाई आप देख लें आपने एडिट में क्या लगाना है. मैं तो कर दूंगी जो मुझे करना है. फिर मुझे गुस्सा भी आया. फिर मैंने कहा नहीं ठंडे दिमाग से सोचो प्रॉब्लम तुम्हारे साथ नहीं है उनके साथ. बिल्कुल सही है. तो उनका प्रॉब्लम है वो खुद ही झेल. तो आपको क्या लगता है ये इनसिक्योरिटी होती है? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. और क्या है मतलब इतने बड़े बड़े नाम होते हैं कुछ लोगों के और हो सकता है बड़े नाम बनने के बाद ज्यादा इनसिक्योर हो जाए. बहुत कम लोग होते हैं जो नाम को पकड़ के रखना भी है ना. वाह वाह वाह. लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर आप सिंसियरिटी से काम करें तो आपका नाम वैसे ही रहता है कहीं जाता नहीं? बड़े बड़े मिसाल हैं जो भी करें ईमानदारी से करें. अल्लाह मियां पे भरोसा भी तो एक चीज होती है ना. जरूरी होता है वो तो. और ये मैंने बहुत लोगों को कहा है. देखिए मैं मी टू मूवमेंट्स और चीजों के ऊपर बात नहीं करती क्योंकि वो बड़ी गलत तरफ भी चली जाती है. लेकिन एक नॉर्मल जिंदगी में सिचुएशंस आती हैं जहां पर लोगों को कई दफा अपने प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. बिल्कुल. मैंने हमेशा एक चीज कही है कि अगर आप ये समझ लें कि रिस्क देने वाला ऊपर बैठा है तो आप एक कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं. और इस बात पे ईमान ले आए सिर्फ कहे नहीं. मैं जब कोरोना शुरू हुआ था तो बड़े बड़े लोग परेशान थे और मेरी कोई औकात नहीं है लेकिन मैं सबको ये कहता था कि अगर तुम्हें लगता है तुम अपने घर वालों को पालते हो ना तुम्हारी कुछ फहमी है इस बात पे भरोसा रखो सब ठीक हो जाएगा. तो इस बात में तो कोई शक नहीं है. और जो आप समझते हैं कि आप पाल रहे हैं तो आप तो सिर्फ एक जरिया है ना पालने का. हां बस आप एक जरिया प्रोवाइडर तो हुए. बेशक बेशक. अच्छा फिर आपने ये होस्टिंग वाला सिलसिला छोड़ के आप एक्टिंग में मतलब छोड़ा नहीं था. साथ लेकिन फिर एक्टिंग वाला जरा आते ही चला गया ना माशाल्लाह. चैनल छोड़ा आ गया. कहां से शुरू हुआ? मतलब क्या मतलब मुंह पे आ गया? मतलब इतना ज्यादा काम मुंह पे आ गया ना. और ये तो सब कर रही है. सब कुछ कर रही है माशाल्लाह. लेकिन मजे की बात ये कि मैंने थोड़े अरसे में अल्लाह हैज बीन वेरी काइंड टू मी कि मुझे बड़े डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर्स मिले. बिल्कुल. मैं ये जानना चाहता हूं कि कैसे वो शुरू कहां से हुई जर्नी? किसने कहा कि आप एक्टिंग करें? भाई वो एक साहब है इमरान महबूब जो कि आजकल पता नहीं इंडस्ट्री से नाराज हो गए कि गायब हो गए हैं वो. तो अच्छा सुना है. उन्होंने खुद नहीं मुझे कभी बताया लेकिन उन्होंने मुझे होस्टिंग करते हुए देखा और कहा कि ड्रामे में जो कैरेक्टर हमें चाहिए वो ये है. तो उन्होंने एक्चुअली टाइप कास्टिंग की थी. अच्छा आप कह रहे हैं वो कोई क्रिएटिव नहीं थे? नहीं ये तो उन्होंने तो काम आसान किया. बहुत क्रिएटिव है उन्होंने. मुझे बड़ा मुश्किल काम भी करवाया. मुझे ऐसा लगता है कि एक स्क्रिप्ट में 50% काम वहीं हो जाता है अगर आप सही कास्टिंग कर लें तो. ये मेरा सोचना है. हो सकता है मैं गलत हूं. तो उन्होंने अगर कहा कि जी ये कैरेक्टर चाहिए तो इट्स ऑल राइट. कहने की यही चाहिए इनसे करवा लें ये कर लेंगी. और आपने क्या कहा? तो मैंने कहा कि मुझे तो एक्टिंग आती नहीं है. मैं एक्टर हुई नहीं. मैं तो कभी स्कूल कॉलेज में एक्टिंग नहीं की. सही है. बस नाचती रहती थी. फिर वो करवा लो. वो किसी ने करवाया नहीं. मुहज्जिब नहीं लग रहा था. उनको सही लगा नहीं. तो फिर जब उन्होंने जी मान लिया आपने कहा आपने करना है. फिर आपने कैसे कहां कर दी? बस आई डोंट नो. मैंने कहा अच्छा बस कैरेक्टर बहुत ज्यादा बड़ा ना हो लेकिन बहुत छोटा भी ना हो. मतलब इनसिग्निफिकेंट हो ना. मुनासिब हो. करूं तो फील होगी कि है. हां शर्मिंदगी ना हो. और फिर ये कि मुझे बड़ा डर था कि मैंने एज एन एंकर एज अ जर्नलिस्ट अपनी एक जगह जो बनाई वो ना डैमेज हो जाए. सही बात है. तो मैंने कहा ऐसा काम करवाएं कि उसकी भी इज्जत रह जाए. तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा करम किया वो हो गया. फिर पता नहीं होता ही चला गया. फिर फोन पे फोन किया भाई ये डेट बिजी हो गई अब मैं. अच्छा तो कितना टाइम लेती हैं आप स्क्रिप्ट को हाँ करने में? क्या देखती हैं कि भाई अब ये मैं नहीं कर रही मेरा मूड नहीं है करने का? आप कहती नहीं यार बड़ा मैं आपको बात करता हूँ. एक जमाने में मुझे लोग कहते थे आप बड़ी सिलेक्टिव हैं. तो मैंने कहा नहीं मैं सिलेक्टिव शायद नहीं थी. इस तरह थी क्योंकि शो भी करती थी और माय लाइफ वाज माय शो. सो उसको मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती थी. तो हाँ मैं पढ़ती थी देखती थी क्या पॉसिबल है. उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि आई फेल्ट के कैरेक्टर स्क्रिप्ट आता है मुझे पढ़ना तो जरूर है. वो पहले एपिसोड में समझ में आ जाता है कि ये करने वाला है मैंने या नहीं करना है. सही है. कैरेक्टर इंपॉर्टेंट बहुत होता है मेरे लिए. अगर वो 16वें एपिसोड में भी आ रहा है तो उसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सही है. राइटर बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट. और पैसे? पैसे तो अल्लाह ने बंदोबस्त करना होता है हो जाता है. तो क्या आपकी अभी भी स्टेज पे भी पैसों पे बहस होती है या हमारे यहाँ इतनी इज्जत देते हैं? अच्छे लोग हैं वो इज्जत देते हैं वो देते हैं. ठीक है वो ज्यादा वो नहीं करते. आजकल कुछ लोगों ने बहाना बना लिया जी कोविड की वजह से. मैंने कहा आपकी तो चांदी हुई हुई है. सारे लोग घर बैठ के टीवी तो देखते हैं और क्या करेंगे? ड्रामे तो देख रहे हैं. बिल्कुल सही बात है. लेकिन वो उनकी सोच है. वो एक लाइन कुछ लोग समझते हैं कि वो आपको स्टार बनाते हैं
तो वो समझते हैं कि आप उनके लिए मुफ्त में काम करें. अच्छा मुफ्त में ही कर दिया, लेकिन अब कितना भाईचारा ने भाई भाई. हाँ सही बात है. अच्छा हिना जी अपना काम देखती हैं आप खुद? हाँ. देखती हैं कितना क्रिटिकल है अपने काम को लेके? हूँ भी और नहीं भी हूँ, क्योंकि बाद में देखती हूँ. मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि अभी शॉट हुआ दिखाओ मुझे क्या हुआ. मैं नहीं देखती, मतलब ऑन एयर जब आते तब देखती हूँ. मैं कहती हूँ डायरेक्टर का काम है मेरा, काम सही है ठीक है. फिर वो एडिट होता है, फिर जब वो ऑन एयर आता है तो कभी कभी मैं कहती हूँ कि हाँ ये थोड़ा शायद बेहतर कर सकती थी या किसी और तरह से कर सकती. इतनी ओवरली क्रिटिकल नहीं हूँ. सही है. और कई दफा खुद ही कहती हूँ कि यार ये तो कुछ अच्छा कर दिया है भाई तुम ही हो. और कभी कभी ऐसा हुआ है कि ये क्या कर दिया मैंने. नहीं अल्लाह का शुक्र है ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ. कोई डिजास्टर नहीं हुआ आज तक. डिजास्टर कोई नहीं हुआ. हाँ डिजास्टर नहीं हुआ. दोस्ती यारी कैसी रहती है आपकी? है ज्यादा दोस्त हैं कम दोस्त? माशाल्लाह बहुत खुशकिस्मत हूँ. बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत सिंसियर दोस्त हैं. तो वो क्रिटिकल है काम को लेके या नहीं? उनके दिल इतने बड़े हर वक्त तारीफ करते रहते हैं. मैं कहती हूँ भाई कभी कोई क्रिटिसाइज भी कर दिया करो. अम्मी मेरी क्रिटिसाइज किया करती थी, बताती थी. लेकिन जब अम्मी की तारीफ आती थी ना फिर लगता था वाकई कुछ है, वाकई कुछ है. अच्छा ये जो आपके सिंसियर दोस्त हैं क्या ये इंडस्ट्री के हैं? इंडस्ट्री के बाहर इंडस्ट्री के बाहर तो फिर मेरे ख्याल से डेफिनेटली ऑनेस्ट फीडबैक देते होंगे. पुराने दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं. अरे वाह. जो आज तक माशाल्लाह हैं, माशाल्लाह मुझे छोड़कर मेरे मियाँ के दोस्त बन गए हैं. मुझे याद दिलाना पड़ता है भाई मेरी वजह से जानते हो. लेकिन आई एम ब्लेस्ड. वो कहते हैं कि कोई अच्छे इंसान का पता करना हो तो उससे पूछो कि तुम्हारे पुराने दोस्त आज भी तुम्हारे साथ हैं. हाँ. तो अगर वो हो तो इसका मतलब. और ऐसे खड़े मेरा एक दोस्त है मुझे कहता है कि देखो बाकी सब चीजें अल्लाह मियां के हाथ में, लेकिन अगर किसी को उठवाना या पिटवाना हो तो बता देना. अच्छा ऐसा भी लगा. एक फोन कॉल की बात है. एक दोस्त ऐसा भी है? ये ठीक है, ये ठीक है. कितना मार रहे हैं कितना मार रहे हैं आजकल भाई. मैंने किसी को पिटवाया ही नहीं. अच्छा नहीं अभी नौबत ही नहीं. अच्छा तो मगर मुझे पता है कि अगर जरूरत पड़े तो जरूरत है, बैकअप मौजूद है. बैकअप है. और इंडस्ट्री में कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिसका आप कहिए ये बहुत? इंडस्ट्री में जो मेरे दोस्त हैं ना मोस्टली वो लोग हैं जिनको मैं इंडस्ट्री से पहले से जानती हूँ. अच्छा वो बाद में जैसे मिसबा खालिद हो गई. अब वो बचपन से एक फैमिली की रिलेशनशिप है. ठीक है. तो वो मैं उसको इंडस्ट्री के उसमें लाती नहीं. नहीं लाती. कुछ लोग हैं जो मेरे दोस्त बने हैं बने काम के थ्रू और वो मुझे बहुत अजीज हैं, लेकिन वो थोड़े से. जैसे कि कोई एक एक नाम बता दे हमें. जैसे कि डिफरेंट एज ग्रुप्स में कहूंगी मैं. ठीक है. हां रुबीना अशरफ दोस्त बन गई हैं. ठीक है. ठीक है. मदीहा इमाम दोस्त बन गई है. अरे वाह जान है मेरी वो. हां बड़ी प्यारी है. जो लोग दिल को छू जाए वाली बात है. जी 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 बिल्कुल. और इनको जब मिलती हूँ चाहे थोड़ा मिलूं लेकिन एक अपनाइयत का एहसास बहुत. बिल्कुल हमारी बहुत कभी कभी बात हो जाती है. बिल्कुल कभी कभी. और रैंडमली हाँ बहुत उस्मान है. उस्मान तो मेरा बेटा है. हाँ मतलब स्टार्टिंग से वो तो पहले दिन से जो बना पे बनता ही चला गया. एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा. वो फिक्स हो गया. वो फिक्स हो गया. लेकिन फिर सरमद है, हाइसम है, हसीब है, हसीब हसन. ये लोग दोस्त हैं मेरे. आई थिंक ऑफ देम एज फ्रेंड्स नॉट जस्ट कॉलीग्स. बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे. और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं मैं आपको बताऊं जिनको अपने वर्क प्लेस पे अच्छे दोस्त मिल जाए. कलीग सबको मिलते हैं लेकिन अच्छे दोस्त बहुत कम मिलते हैं. काश के मुझे भी कोई दोस्त मिल जाता इस इंडस्ट्री में. काश मैं किसी को दोस्त बोलता. आपको तो फनियर हाफ मिल गया है. आपको और क्या चाहिए? Yes, I have a funnier half. शुक्रापन है ना, ना शुक्रापन है. इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता. किसी हाल में है ना. शादी हाल हो, स्पोर्ट्स इस बात को ही खत्म करो. अच्छा मैं एक और मजे का बताऊं आपको. मैंने देखा माशाल्लाह जो आपके आपके बेटर हाफ में कह सकता हूं उनको या आप उनकी बेटर हाफ है ना. बिल्कुल वो बेटर है. उनको मैंने देखा ही इज सच अ नाइस पर्सन माशाल्लाह माशाल्लाह टच वुड. कि उनके बारे में जरा बताएं कैसी दोस्ती है, कैसा रिलेशनशिप है. वैसे तो आप इनको अगर देख लें साथ माशाल्लाह से, गॉड ब्लेस यू गाइस, तो देख के आप बता सकते हैं कि दो दोस्त बैठे हुए वो वाला नहीं लगता कि जी मियां बीवी हैं और बहुत टाइम हो गया शादी हुए. तो कैसा रिलेशनशिप है, क्या है? माशाल्लाह ही कहूंगी कि अल्लाह ताला कभी कभी आपकी पता नहीं किस नेकी के बदले में आपको नवाज देता है. बेशक माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेटर हाफ 100% अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है. कि मेरे ही अम्मी और बहनें एक बार प्लान बना रहे थे एक हॉलीडे पे जाने का जिसमें अम्मी और उनकी बेटियों ने जाना था. ठीक है. तो सडनली पता मेरे मियाँ भी जा रहे हैं. मैंने कहा ये क्या बात हुई? मतलब हमने कहा था कि नो हस्बैंड्स नो चिल्ड्रन नथिंग. ठीक है. तो उन्होंने कहा तुम्हारा तो मियाँ है लेकिन हमारा तो भाई है. अरे वाह. तो अम्मी और उनके बच्चे जाएंगे तो वो तो जाएगा. तो अम्मी ने भी कहा कि मेरा बेटा तो जाएगा. ऐसी दोस्ती चल रही है. सो वो अजीब ही कुछ कहानी है वहाँ पर. सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? शॉर्ट नहीं करें ना, जरा हमें बताएं. तो सिलसिला एक्चुअली वहाँ से शुरू हुआ जो बड़ा ही क्लीशेड है. बाजार में देखा दुपट्टे में अटक गया उसका. बिल्कुल भी नहीं. दोस्त की शादी हो रही थी, हम नाच रहे थे. अरे वाह वाह. आप नाच रही थी और फिर वो गाते
वो बैठे हुए देख रहे थे, उसके बाद हमारी दोस्त ने सोचा कि ये भी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, ये भी बड़ी अच्छी दोस्त है। उसने बाद में कन्फेस किया कि मैंने तुम दोनों को इसलिए डांस में इकट्ठे रखा था कि शायद कुछ हो जाए, मेरे दोनों दोस्त मुझे मिल जाएंगे। अरे वाह जबरदस्त, उसने अपने चक्कर में दो लोगों को मिलवा दिया। अच्छा किया ना, तो ये तो बड़ी प्यारी सी बात है। उसका चक्कर नहीं तो क्या, डांस करते जब डांस करते थे साथ, ऐसा होता था आंखों आंखों में कि देखो। नहीं नहीं, हमारी दोस्ती हो गई थी। मैं तो बल्कि बता रही थी कि अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ा मत करो, बुरी बात होती है, पब्लिक में नहीं लड़ते हैं, ऐसे नहीं करते। वाकई? हाँ। अरे बाप रे, दोस्ती हो गई थी ना, दोस्त। ट्रांजिशन कैसे हुई, ट्रांजिशन जानना चाहता हूँ। क्या मैं ये दोस्ती रिश्तेदारी ऐसे हुई? ऐसे हुई, एक दिन उनको ख्याल आया, उनको कि अच्छा। मतलब एक यही है जो मुझे बर्दाश्त करेगी। अच्छा, फिर उन्होंने कैसे कहा? ये तो मैं हैरान हूँ कि आपने कहा, मुझे नहीं कहा, मत करो। मेरे अम्मी अब्बू से कहा, डायरेक्ट डायरेक्ट का बच्चा। हाँ, डायरेक्ट। तो आप इस पे हैरान नहीं हुई? मैं नाराज हुई, ये क्या बकवास है, हमारी तो दोस्ती थी, ये क्या हो गया? फिर तो अम्मी फिर कैसे मान गई फौरन? नाराज नहीं, अम्मी अब्बू पहले तो हंसे, फिर अम्मी ने कहा बेटा तुम्हारी अम्मी अब्बू को पता है कि तुम यहाँ हो? उन्होंने कहा आई हैव टू मैरी हर, इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाइस, वेरी नाइस। अब्बू ने कहा नहीं बेटा ऐसा होता नहीं है, अम्मी अब्बू को पता होना चाहिए, ये फिल्म नहीं चल रही असली में। फिर वो गए अपने अब्बा के पास, उनको वहां से भी जूते पड़े कि तुम खुद ही चले गए थे, हो भी आए, दुकान खोल रहे हो क्या, जाके बयाना दे के आ गए हो। फिर सो dukaan.pk हमने एक साथ काम किया था, इसको हमने कहा जल्दी से इंडोर्स कर देते हैं। अच्छा, तो फिर आपने कहा जब ये डांट छाट हो गई और फिर उनके घर वाले आ गए, आप क्यूट तो बनी होंगी कहीं ना कहीं, आपने कहा नहीं मैं भी सोचूंगी। नहीं, मैं क्यूट नहीं बनी थी, मुझे समझ में नहीं आती क्या हो रहा है। अच्छा, फिर मेरी बहन ने कहा पागल हो, इतनी तुम्हारी दोस्ती है, अच्छाई बुराई सब पता है एक साथ। अच्छा, तो जब ये हुआ तो कितने अरसे की दोस्ती हो चुकी थी पहले? साल भर हो गया था। एक साल हो गया था? नहीं, शायद कम, पागल है। नहीं, बहन ने कहा तुम पागल हो, मैंने कहा क्या चाहिए। अच्छा, मतलब ये क्वेश्चन ऐसा था कि जैसे स्टेटमेंट होती है। और फिर मेरी दोस्त ने कहा कि भाई सुनो मैं भी तुम कर लो, वरना फिर मुझे बता दो, मैं कर लेती हूं। अरे वाह, मारियां लगी हुई हैं, लाइनें लगी हुई हैं भाई, कंपटीशन में आ गई दोस्त। मैंने कहा बता दो मुझे कि तुम्हें नहीं करना, तो भाई लड़का बहुत अच्छा है, मैं कर लूंगी। हमने कहा चलो फिर, सब कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। अरे वाह जबरदस्त, ये बहुत प्यारी बात है। अब वो दोस्त कहां है जिन्होंने आप दोनों को मिलवाया था? वो भी मौजूद है हमारी जिंदगी में। और वो दोस्त भाई, उसका मकसद यही था कि वो हमारी जिंदगी में शामिल रहे। वो कभी रॉयल्टी मांगते हैं इस बात की? ये मांगती हैं कि भाई मैंने खाना खिलाओ, मैंने नहीं मिलवाया। होता ये कि जब हमारी लड़ाई होती है तो उसको जूतियां पड़ती हैं कि तुमने कराई थी, कि तुमने कराई थी, सही है। लेकिन जब हम लोग खुश होते हैं आपस में तो भी हम उसको क्रेडिट दे देते हैं। अरे भाई, और वो वाली दोस्त कहां है? उसकी मुझे उम्मीद तो नहीं है कि वापसी दोस्त होगी, जिसने कहा था इससे कर लो। नहीं नहीं, वो बड़ी खुश है अपने घर में। अच्छा, उन्होंने कर ली कहीं और? कोई ऐसे नेफेरियस वो नहीं थे इंटेंशंस। उसने कहा था तुमने नहीं करनी तो बता दो, ये बंदा अच्छा है, मैं तुम जाया कर रही हो। मैं गाड़ी जो है कि कहीं और ना जाए। बंदा अच्छा है, तुम जाया कर रही हो। वो नहीं था भाई, ये सूट तुम ले लो, मतलब मैं ले लूं। लेकिन देखिए कितनी खूबसूरत बात है, साल की दोस्ती में जाके बता देना लड़की के माँ बाप को और इस तरह करना। हाँ, तो वरना आज तो जैसे ही बोलो तो कहते जी हम आउट ऑफ कम्युनिटी नहीं करते ना, इसलिए मैं तुमसे। आप तो बहुत सारे मसाइल हो गए ना। कम्युनिटी है क्या, पता नहीं कौन सी कम्युनिटी इसमें। ये भी कहती हूँ की भाई वो जो हमारे यहाँ थोड़ा सा हो जाता है ना कि जी हर बात में आपके पर फतवा आ जाता है कि हाँ। आप कितने मुसलमान हैं और कितने जी जी। मैं कहती हूँ हम मुसलमान बनने के चक्कर में इंसान बनना भूल जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंसान पहले बन जाए ना, इंसान बन। हमारे तो मजहब में कोई तफरीक नहीं। अच्छा है। वो आपके काम को लेके कितने क्रिटिकल हैं? वो देखते हैं आपका काम? बहुत कम, अब रिसेंटली देखना शुरू किया है। अच्छा, मेरा ख्याल है वो सैयद वजाहत हुसैन बहुत अच्छे लगते हैं उनको, तो उनकी वजह से वो एक ड्रामा उनकी वजह से देख लिया। इश्क जलेबी देखा, बहुत मजा आया, हंसते रहे, एंजॉय करते रहे, तो बस तो शुरू हो गया। और फिर उसके साथ उन्होंने कहा कि ये कहाँ इस जलेबी और कहाँ खुदा और मोहब्बत, दो अलग अलग दोनों देख रहे हैं, है ना, दोनों अलग देख रहे हैं, अलग अलग। कोई कॉम्प्लीमेंट दिया आपकी एक्टिंग उन्होंने की? यार दो कितने इंप्रेस हो जाते हैं, पोल्स अपार्ट है ना। अभी वो क्या इस्तेमाल लिए लाए, पहली बार शर्मिंदा हुए थे जब सारी दुनिया हमसफर की बात कर रही थी और लोग उनको आकर कहते तुम्हारी बीवी नहीं है वो, अब ये घर आके तो शर्मिंदा कि भाई मैं तो देखा ही नहीं है, तुम क्या कर रही हो, क्या कर रही हो। अच्छा वैसे माशाल्लाह खुद इतने हैंडसम है और इतने फिट हैं, मुझे लगता है उनको भी एक्टिंग करनी चाहिए। कभी करते हैं ना जिंदगी में, सारा वक्त नहीं झेलती हूँ। मेरे ख्याल से इससे पहले मॉर्निंग शो का टॉपिक बन जाए लड़ाइयों पे, खवातीन और आजाद। अच्छा खासा मामला था, जहां प्यार होता है, जहां प्यार होता है। अच्छा कवर किया है ना जी ने, मैं जो तुम्हें मारता हूं ना, इसका मतलब प्यार करते हैं। खवातीन और आजाद, वक्त है जी ब्रेक का, ब्रेक पर जाइए, ब्रेक से वापस आइए, आप देख रहे हैं मजेदार शो। वेलकम
वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं मजेदार शो। मेरे साथ मौजूद हैं वही आदि आदि लमजन, उनके साथ मौजूद हैं हिना प्रयात, और हम खेलने लगे दिस और दैट। मजेदार 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 मजेदार। आपसे एक सवाल होगा, उसके दो ऑप्शंस होंगे, आपने उसमें से एक ऑप्शन चुनना है, तीसरा ऑप्शन आप नहीं दे सकती, और जब हम आपसे कहेंगे तो आप हमें बताएंगे कि आपने ऑप्शन क्यों चुना। और ये बदमाशी सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारा शो है। अच्छा जी, तैयार है? फिल्म या फिर ड्रामा? ड्रामा। प्रेफरेंस क्या है? अच्छा ड्रामा, ठीक है। एक्टिंग या फिर होस्टिंग? आजकल एक्टिंग। आजकल एक्टिंग, आजकल एक्टिंग, ओके। रियलिटी शोज या फिर मॉर्निंग शो? तीसरा ऑप्शन नहीं है। जवाब तो मुझे मिल गया है वैसे, लेकिन फिर भी बताइए, रियलिटी शो या मॉर्निंग शो? रियलिटी। रियलिटी शो, ठीक है जी। वेस्टर्न कपड़े या ईस्टर्न कपड़े? अच्छे कपड़े। अरे तीसरा ऑप्शन ही नहीं है। जवाब बहुत अच्छा है, लेकिन आपको फिर भी इसमें से जवाब देना पड़ेगा। वेस्टर्न या ईस्टर्न? फ्यूजन। फ्यूजन वे तो बैंड ही था। देखो ना, फ्यूजन है ये। मसला यही होता है जब पढ़े लिखे गेस्ट बुला लेते ना, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हम आपके फ्यूजन से हम कंफ्यूजन में चले जाते हैं। नहीं, वैसे बहुत कम लोग होते हैं हमारे जो हर तरह के कपड़े कैरी कर लेते हैं, आप उनमें से एक है माशाल्लाह, चाहे वो वेस्टर्न हो चाहे वो ईस्टर्न हो, तो हम आपका फ्यूजन मान लेते हैं। अच्छा जी, फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स? वेजिटेबल्स। ओके। इश जलेबी या फिर राज उल्फत? इश जलेबी। क्यों इश जलेबी क्यों, और राज उल्फत क्यों नहीं? दोनों इतने अच्छे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इश जलेबी जो है ना वो बस दिल में उतर गया लोगों के भी, वैसे बाकी लोगों को बड़ा पसंद आया वो। उसमें ह्यूमर भी था, उसमें इमोशंस भी थे, उसमें फैमिली वैल्यूज भी थी, और कहानी भी थी। कहानी भी थी, कोविड भी था। जी बिल्कुल, कोविड भी था और रमजान भी थे। और रमजान भी है ना। अच्छा जी, मेहरीन जब्बार या फिर सरमद खुसट? बड़ी वैसे कुछ बदतमीजी वाली बात, कुकली कभी कभार, कभी कभार जरूरी है। बताइए जी, बताइए, मेहरीन जब्बार या फिर सरमद खुसट? दोनों बहुत जबरदस्त डायरेक्टर्स हैं। प्रेफरेंस क्या है? प्रेफरेंस पता चले नहीं, कह सकते आप। चले अच्छा भाई, आप कहें कि हाँ, चूज कर लें बस एक प्रेफरेंस। नाम लेना है, कौन सा लेंगे, मेहरीन जब्बार या सरमद खुसट? ठीक है, मीमी। ओके जी, मीमी, मेहरीन जब्बार, ठीक है, वेरी नाइस। कवि खान साहब या फिर वसीम अब्बास साहब? कवि खान साहब, उनका वैसे आपस में मुकाबला ज्यादा है। नहीं, हम मुकाबला तो कर ही नहीं रहे, हम तो सिर्फ ऑप्शन देते हैं। सिर्फ ऑप्शन है मुकाबला। कवि खान साहब मेरे वालिद बनते हैं, वसीम अब्बास साहब मेरे शोहर बनते हैं, हम क्या मुकाबला कर रहे हैं। तो ये भी मेरा बाप बनता है, तो मैं क्या करूं मैं। मेरा तो बेटा बनता है ना। ये बोलना था, बिल्कुल सही है। नहीं, ऐसी है कि कौन सा आपको ज्यादा, किनसे ज्यादा क्लोज है? कवि खान साहब। कवि खान साहब, वेरी गुड। ठीक है जी, फॉर्मल कपड़े या कैजुअल कपड़े? कैजुअल। देसी खाना या अंग्रेजी खाना? ओ, देसी एनी डे। देसी खाना पसंदीदा कोई खाना बता दें, देसी आप क्या शौक से खाती हैं? जो आप कहें मैं कभी भी खा सकती हूँ। हाँ, एनी टाइम। दाल चावल। अरे बहुत आला। अच्छा जी, फवाद खान या माहिरा खान? माहिरा। माहिरा खान, ओके। अवार्ड्स या फिर नो अवार्ड्स? Not these kind of awards. What kind of ये awards? कौन से ये these कौन से थे? जो genuine होते हैं, जिनके पीछे कुछ genuine brand कौन से होते हैं? हैं? Genuine कौन से होते हैं? आजकल तो दुनिया में कहीं नहीं होते हैं। दुनिया में कहीं नहीं आजकल। है ना? Exactly. तो इसी सारे politically motivated होते हैं। So that means no awards. No awards. अच्छा ये पता है, awards पे अपने कपड़े पहन के जाना या लंबे लंबे पर्दे पहन के जाना? अवार्ड्स में जाने ही क्यों है, टाइम जाया करने के लिए। वेरी गुड। अच्छा जी, मेरा नाम यूसुफ है या फिर हम सफर? तुम्हारा नाम फैजान है। मेरा नाम यूसुफ है। मेरा नाम यूसुफ है, हमने एक प्रोजेक्ट किया था। अच्छा अच्छा, थैंक यू। मैं भी शायद या फिर माहिरा खान? माहिरा। ये तो बड़ा आसान था। साइकिल या बाइक? बहुत पसंद है। हाँ, माहिरा से एक पर्सनल ताल्लुक है। पर्सनल ताल्लुक। हाँ जी, साइकिल या फिर बाइक? साइकिल या बाइक। हाँ जी, दोनों नहीं चलानी आती, भूल गई हूं चलाना। फिर भी प्रेफरेंस क्या होगी अगर चलानी, खुद चलानी पड़े? खुद चलानी पड़े या बैठना पड़े? घूमना। बाइक। बाइक, वेरी गुड। आदि पूछिए। ये बताइए, गोला गंडा डंडी वाला या वो जो प्लेट में आता है चम्मच? डंडी वाला। डंडी वाला। और गोले गंडे के ऊपर चॉकलेट या नो चॉकलेट? चॉकलेट जरूरी है। अच्छा ये बताइए, मीठी पूरी या खट्टी पूरी? खट्टी मीठी। खट्टी मीठी, अच्छा दोनों दोनों चीजें। हाँ। ये बताइए, समंदर ज्यादा इंजॉय करती है या पहाड़ ज्यादा इंजॉय करती है? अब कराची में तो समंदर ही ज्यादा मिलता है, इससे पहाड़ ज्यादा। नहीं, आप बाहर जा सकते हैं, जा सकती हैं। नहीं, पहाड़ ज्यादा एंजॉय करती हूँ ना, बिकॉज समंदर तो हर वक्त मिल ही जाता है। समंदर तो हर वक्त मिल ही जाता है। अच्छा ये दोस्तों के साथ घूमना या फैमिली के साथ घूमना? फैमिली। फैमिली के साथ। सालगिरह मनाना या सालगिरह पे नॉर्मल रहना कि यार कोई बड़ी बात नहीं है? अब इस साल तक सोचती थी कोई बड़ी बात नहीं है, कभी मनाने का इतना शौक भी नहीं था। सही है, लेकिन अब एहसास हो रहा है जिंदगी का हर दिन सेलिब्रेट करना चाहिए। वाह, बिल्कुल जी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट कौन सी पसंद है, बस या फिर रिक्शा? रिक्शा। रिक्शा, वेरी गुड। रिकॉर्डेड शोज या फिर लाइव शोज? लाइव। लाइव शोज, बहुत कम लोग हैं जो लाइव शोज पे एग्री करते हैं, लोग तो भाग रहे होते हैं लाइव। मुझे लगता है जिसका दिमाग चलता है वो लाइव शो ही प्रेफर करता है। दिमाग चलता है या जिसको फॉर्मूला बताओ वो कहता है लाइव शो करो। फिर फॉर्मूला, दूध का डब्बा रखो। नहीं, मेरा मतलब था कि वो काम करने का फॉर्मूला, भाई मेरा वो मतलब नहीं था बिल्कुल भी। अच्छा जी, फ्रेंड्स या फिर कजन्स? फ्रेंड्स या कजन्स? हाँ, या कजन जो फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड्स और कजन्स हुआ फ्रेंड्स।
कजन्स हु आर फ्रेंड्स, ओके, ननियाल या फिर ददियाल? ये तो मैं जवाब ही नहीं दे सकती, आपको देना पड़ेगा। अभी तो आगे और मुश्किल सवाल आते हैं। सीमा जी ने कहा है जब हिना याद आए तो उनसे ये सवाल जरूर करना। ये उन्होंने लिख के दिया, ये मेरा ना ननिहाल है ना ददिहाल है, वो मेरा खानदान है। ओ लेकिन जवाब देना पड़ेगा, नहीं बता सकती। एक तो तुम छुरी करते पे रख दो, नहीं बोल सकते। अच्छा नहीं, देखिए मैं कर ही नहीं सकती। इसमें ना मुकाबला है ना प्रेफरेंस है ना हम कह रहे कि वो बेहतर है और ये देखे, मैं आपको समझाता हूँ किस बेसिस पे एक नाम। अच्छा आदि ना मैं आप हूँ। अच्छा अच्छा, अलग मैं ऐसी नहीं हूँ वैसे, मैं आप हूँ ना। ये मैं आई सामने दो घर है, एक मेरे ननियाल का एक मेरे ददियाल का। कहाँ जाओगी? कहाँ जाऊंगी बताओ? जो बड़ा है उसके पास जाऊंगी। कौन है बड़ा? जो बड़ा होगा उस वक्त। अब मेरे हाल में भी लोग बड़े हैं, ददियाल में भी लोग बड़े हैं। कैसा? अच्छा, लेकिन फिर भी एक प्लीज। जलाको मासी बन रही हैं आप? जलाको मासी। अब जो है सो है भाई। तो मतलब ननियाल या ददियाल? यार मैं ननियाल। ओके आप बताओ। सेम ननियाल। आपको बताऊं कि मेरी अम्मी ये कहा करती थी, अल्लाह को जन्नत नसीब करे, वो कहती थी सारी दुनिया एक तरफ और मेरा ससुराल एक तरफ। हमें ददियाल से इतना प्यार मिला है और मिलता है कि मैं कह ही नहीं सकती। हमें पता ही नहीं है कि वो ससुराल ही रिश्ते क्या होते हैं। नहीं है, बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। ये भी ठीक है। फिर जैसे जैसे अम्मी बोल गई हम कहते हैं ददियाल, ठीक है फिर हम ददियाल पे सेटल हो जाते हैं। ननिहाल वाले मुझे बड़े अजीज हैं भाई। ये तो भाई बड़ा मसला है यार, आदमी जवाब तो चाहिए। आप मुझसे पूछो। सीमा जी फिर मुझसे पूछेंगी ना, मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें? सीमा जी मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकती, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये सवाल छोड़ें, ये बताएं, अरे वकीलों की बेटी हूं मैं, जरा करने पे आ जाओगे तो हार जाओगे। लो भाई हर सेगमेंट में अलग अलग धमकियां दी उन्होंने, फड्डे पे आ गई बात। एकदम तो मैंने एकदम कश्मीर और बहुत अच्छा से फड्डे पे आती है। अच्छा जी, नेटफ्लिक्स या फिर यूट्यूब? नेटफ्लिक्स। निदा यासिर या फिर नादिया खान? किस लिए? किसी भी लिए भाई। किस तो नहीं लिए बताइए। बड़ी कोशिश की हम सामने, खबीस किस्म के दो लोग सामने खड़े हैं। क्या हुआ? नहीं हुआ, सवाल पूछा है। अच्छा सवाल किया है। निदा, ये निदा यासिर। निदा यासिर, वेरी गुड, ठीक है। शाइस्ता लोधी या साहिर लोधी? साहिर। अच्छा जी, खाना पकाना या खाना खाना? खाना। खाना पकाना या खाना खाना? खाना। अच्छा, कुकिंग वगैरह करती हैं आप वैसे? क्या पकाती हैं? फेवरेट कोई चीज बताएं। मैं बोलूं ये रेसिपी ये मैं पकाऊंगी, कोई नहीं बना सकता, दिमाग शार्ट हो जाएगा तुम्हारा खाने। कौन है ये? हां, लोगों के दिमाग पकाती हूं जब जरूरत होती है। अरे भाई हर बात को धमकी ना दे हमें। अच्छा मैं डर भी लग रहा थोड़ा। बताए ना बताए ना। पता मैं एक खाना मैं बना लेती हूँ, अच्छा बना लेती हूँ क्योंकि खुद भी खाने का शौक है, जो भी बनाऊंगी कोशिश करती हूँ अच्छा बन जाए। लेकिन जो एक चीज मैं बहुत अच्छी बनाती हूँ आपको हैरत होगी, वो क्या है बता? फ्राई अंडा, the perfect fried egg, बहुत कम लोग बनाते हैं। नहीं ना, हमें कोई रेसिपी चाहिए। कौन सी? क्या होता है फ्राइड एग? परफेक्ट फ्राइड एग वो होता है कि जिसकी जर्दी जो है वो सख्त ना हुई भी हो, हाँ, थोड़ी सी नरम हो, ऊपर से गुलाबी हो, सफेदी पकी भी हो लेकिन जली भी ना हो। ये अंडा मुझे बनाकर दिखाओ। ये तो मुर्गी भी नहीं पका सकती ऐसा। एग्जैक्टली, उसका काम नहीं है। इतना उन्होंने डिटेल से बताया कि ऐसे आपका अंडा गोल होता है। हाँ टमाटर पनीर जो हमारा कश्मीरी डिश है वो अच्छा। अरे कश्मीरी पता है मुझे, कश्मीरी वन कश्मीरी। हमारी आखिरी बार बात हो चुकी है कि हम कश्मीरी हैं। साइड पे यार बात करने। अच्छा तो अगर आप हमें एक रेसिपी बता दें जल्दी से प्लीज। किसकी? कोई सी भी, जो आप बघारे बैंगन चाहे या टमाटर पनीर चाहे। बहरे बैंगन, बघारे बैंगन में तो कोई 12 चीजें पड़ती हैं। 12 चीजें पड़ती हैं, 12 चीजें पड़ती हैं, क्लास लगानी पड़ती है भाई। उसके अंदर आपको जीरा भी चाहिए, उसके अंदर आपको धनिया चाहिए साबुत, उसके अंदर आपको खोपरा चाहिए, चाहिए, उसके अंदर आपको मूंगफली चाहिए, चाहिए। अरे भैया हाँ, हाँ, चाहिए बहुत लालची हो रही है। नमक नमक लाल मिर्च, ये इसका नाम होना चाहिए लालची बैंगन। नहीं तो अब चीजें डलती है ना सारी, डाले डाले फिर आप उनको भूनते हैं। हाँ। और ये सारे मसाले अलग अलग भूने जाते हैं, फिर इन्हें इकट्ठा करके जिस तरह से मैंने सीखा हुआ है उसको इकट्ठा करके इमली में डालते हैं। अम्मी ने सिखाया, अम्मी ने सिखाया। उनको इकट्ठा भी करना है, फोन करना है, बोला आ जाओ सभी। हाँ सारे मिल जाते हैं ना, मिल मिला के काम होता है। फिर उसको आपने इमली के साथ इकट्ठा करना होता है, और फिर उस इमली वाले मसाले को आप बैंगन को काट कर उसके अंदर भरते हैं। वाह। और फिर उस मसाले अच्छा, तभी कहते हैं बैंगन के भरते हैं, भरते भी है ना। हाँ, बीच में लगा के भरते हैं। वेरी नाइस। और फिर नीचे आप तेल के अंदर उसका तड़का बना के जिसमें के कड़ी पत्ता और राई और गोल मिर्च डलती है, फिर आप मसाला और बैंगन डाल के उसको दम देते। भूख लगा दी आपने यार। और फिर शीरमाल आप बाजार से लाते हैं। शीरमाल शीरमाल बाजार से आपको ऐसी चीज जो आप बनाते हो तो
बंदा कहे यार वाह, मेरा टेस्ट फेल थे कि मुझे बनाना आता कि नहीं, मैं कह रही हूं नहीं नहीं, हर हर जो गेस्ट आता है कहता है मैं बनाना था, कहते हैं एक रेसिपी सुना, और अभी तक मैं आज तक सब कामयाब हूं, सब कामयाब हूं, सब ने रेसिपी बताई है हमें। मैं चिकन कढ़ाई बहुत अच्छी बना लेता हूं, आसान काम है लेकिन बना लेता हूं। कैसे बनाते हैं चिकन कढ़ाई? मैं चिकन कढ़ाई था, चिकन को लिया आपने, फिर कढ़ाई को लिया, फिर कढ़ाई को लिया, ठीक है। चिकन को कहां से लिया? स्कूल से? स्कूल से नहीं लिया, छुट्टियां चल रही है ना। पहले आपने चिकन खरीदी, फिर आपने उसको बोला कढ़ाई कट बनाए, कढ़ाई कट बना के देते हैं आपको जो मुर्गी बेच रहे हैं ना, वो कढ़ाई की खास बोटी होती है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक उसके है। बाद मैं तो बहुत ही आसान वाली बनाता हूँ। आपने पहले डाला तेल, उसके बाद उसमें डाल दिया अदरक लहसुन का पेस्ट, जब वो थोड़ा सा ब्राउन हो गया आपने डाल दिया टमाटर, उसके बाद आपने डाल दिया दही और मसाला मिक्स करके। आसान तरीन काम, मसाला आप बाजार से खरीदें, हमें वाला काम नहीं आता कि वो मसाला ये मसाला, आपने मसाला लिया तो एक साथ डाल दिया, जब वो पक जाए उसके बाद आपने मुर्गी डाल दी, मिक्स किया मिक्स किया मिक्स किया, पानी डाल दिया, जब उसको भाप लगेगी मुर्गी तैयार। सारा काम मसाले का डिब्बे में से निकाल दिया। Exactly, बिल्कुल। मैंने तो कहा मैं आसान वाली बनाता हूँ लेकिन अच्छी बना। एंड में मुझे वो भी आता है कोयले की जो भाप देते हैं ना, बारबेक्यू टच देने के लिए। कैसे? बारबेक्यू टच देने के लिए। अच्छा जी, दो इंपॉर्टेंट सवाल, एक आदि पे आज पूछेंगे, एक मैं पूछूंगा। आदि पे पहले आप पूछिए फिर मैं पूछूंगा। सीरियस सवाल दो, चलो भाई बहुत ज्यादा सीरियस हो गए। एक सवाल पूछूंगा वो इसलिए क्योंकि हम आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और आपका जिंदगी का तजर्बा बहुत ज्यादा है, खाली इंडस्ट्री का नहीं जिंदगी का, तो मुझे लगता है कि जो जवाब आप देंगी वो हमारी यूथ ज्यादा उसको फॉलो करेगी बजाय हम उसका एक जवाब बताएं। आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से ज्यादा बेहतर तरीका क्या है? वाह, ज्यादा बेहतर तरीका क्या है? थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारा प्लेटफॉर्म है तो हम क्यों ना पूछे। चलो मैं सीरियस हो गई। नहीं नहीं सीरियस। ये बताइए कि इनमें से ज्यादा बेहतर तरीका कौन सा है? कौन सा? आम चूस के खाना या आम काट के खाना? वाह, काट कर खाना। आपको नहीं लगता आम चूस के खाना सही? लोग कहते हैं वो मजा नहीं आता जब तक आप उसको चूस के ना खाएं। गंदगी नहीं पसंद। गंदगी नहीं, आप तमीज से भी खा सकते हैं। तमीज से भी आप जो उसके ऊपर, आज तक किसी को मैंने तमीज से खाते नहीं। आप मुझे, मैं बिल्कुल तमीज से काट के खाता हूं, क्यूब वाला। लेकिन ये देखिए, आप उसको नरम करें, जो आखिरी चुटकी है ना वो आपने छोटी मारनी है। चुटकी कौन सी होती है? जिससे ऊपर से आप काली दाने ही निकालते हैं ना। हाँ हाँ, वो छोटी सी निकाले। अच्छा, लोग क्या करते हैं यूं निकालते हैं बड़ी दानी। हाँ। नहीं, मैं तो यूं करें निकाल लेती हूं। लेकिन फिर भी काट के बेहतर, ठीक है। अच्छा जी, मैं आपसे पूछूंगा आखिरी सवाल इस सेगमेंट का, और बड़ा आसान सा सवाल है, आपने फटाफट जवाब दे देना है। आदि या फैजान? आदि फैजान। ये सब कर चुके हैं लोग, आदि फैजान। देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, लोगों ने बोला मजेदार शो, लोगों ने कहा सलाम जिंदगी, आदि फैजान, ये वो फादी ऐजान, सब कुछ हुआ है। अच्छा भाई, जो मेरा बेटा बन चुका है वो तो फैजान ही है। तो फिर नाम ले फैजान। फैजान। थैंक यू सो मच। अब मेरा दिल चाह रहा है मैं आकर कान मरोड़ू दोनों। क्यों? क्या बनते हैं ये? किस कसम का सवाल था भाई? हमारा एक हमारे बीच में लड़ाई करवाना चाहते हैं जान के। मैं क्यों करवाना चाहता हूँ? क्यों पूछते हो ये सवाल? आदि आदि, ठीक है। कैसा? फैजान ही सही कहा आपने। अच्छा, मैंने तो देखा ही नहीं ना। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद है काशी भाई, जो कि हमें एक बेहतरीन सा गाना सुनाएंगे ब्रेक पे जाने से पहले। काशी भाई क्या सुनाएंगे जी? एक बहुत ही खूबसूरत गीत, अहमद जी साहब का। खूबसूरत गीत, खालू आए खालू। खूबसूरत गीत। इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर, हाँ इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर, तुमने वादा किया था साथ दोगे जिंदगी भर, छोड़ कर तुम न जाओगे। जगह बैठ गए याद है आज भी मुझको उस हसी शाम का मंजर, दिल जहां मैंने हारा था मैंने तुमको मोड़ पर इस जगह बैठ कर।
इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर तुमने वादा किया था साथ दोगे जिंदगी भर छोड़ कर तुम न जाओगे हाय इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर हाय इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर आपको सुनाएंगे गाने का अंतरा या अस्थाई और आपने गेस करना है कि गाना कौन सा है और क्योंकि आप गाना अच्छा गाती हैं तो आप साथ गा भी सकते हैं काशिप पुराने दिनों का वास्ता बी नाइस नहीं नहीं काशिप के गाने बहुत अच्छे होते हैं ये गारंटी है हमारे पास जी काशिप गाने तो अच्छे होते हैं मुझे याद आ जाए आ जाएंगे आ जाएंगे तुमसे बिछड़े सदियां बीती फिर भी हमें याद आते हो बड़ा सुना सुना लग रहा है इस वक्त तो मैं और आदि भी ब्लैंक हो गए कौन सा गाना था से हमारी पैदाइश से पहले का वाकई मेरी अम्मी को पता होगा दोबारा गाएं फिर से गाएं तुमसे बिछड़े सदियां बीती एक लाइन और फिर भी हमें याद आते हो आज लाट बनकर आज भी तुम तड़पाते हो जिंदगी कितनी बेजारी आ गया आ गया, आ गया। कहा था तुमसे प्यार है अरे ना आगे वाला नहीं आ रहा हाँ उसी मो नहीं वो नहीं अच्छा भाई यार क्या गाना नहीं आता सॉरी सर हाँ कोई वादा वादा तो नहीं इसमें अल्लाह हो गया अरे अरे यार आगे नहीं याद आ रहा मुझे आपको नहीं याद आया नहीं नदीम साहब है तुम नहीं नदीम साहब है इसमें ये जमाना जा गया कभी तो तुमको याद आएंगे वो बहारे किसका हुआ वन पॉइंट मैं हैरान हूं कि आदि का वन पॉइंट हो गया यार जबरदस्त आदि हो गया आ से आता है इसको गाना वेल डन आदि भाई ये गाने इतने मिलते जुलते से हैं सारे पुराने काफी मुझे लगा था कोई और गाना है मैं आपसे कहती कहां हो तुमको ढूंढ रही है मैं भी मुझे भी ये लगा था आपने बोला कहां हो तुम मैं ढूंढ रही हूं कह रहे मैं यहीं बैठा हूं काशी भाई पीछे वाले बच्चों से पूछ रहे हां चलें चीटिंग आपने सही बताया वो कहां होगी है ना कुछ देखा फीमेल वाला अच्छा मुझे फीमेल वाला याद आया ना देखो ये दाढ़ी वाली मेल है भी हुआ ना फिर ये दाढ़ी वाली मेल है कहां हो तुमको याद ऐसे अच्छा आपको वाला याद हमने सेम गेस किया था लेकिन लेट हो गया ना वन ओके सॉरी तो वन पॉइंट मेरा है वन मेरा है मैंने पहले कहा था जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम अरे दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम बस तुमको एक शख्स याद आए इसका स्टार्ट जब कोई प्यारे प्यार से बुलाएगा जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा तुमको एक शख्स याद आएगा वेल डन
ये काशी भाई ने यहाँ तक क्यों गाया? क्यों? क्योंकि उनको आता ही इतना। बाकी मैं लिख कर दे दूं। मुझे शुरू से आखिर तक बहुत सारे आते हैं, बीच-बीच में से नहीं आता। यही नहीं, तो नहीं, है। अच्छा, आप, नहीं, नहीं इसी पार्ट, इसका एक और पार्ट बड़ा अच्छा गाते हैं, लज्जते। काशी भाई प्लीज हमें गा के सुनाए प्लीज, इतनी लज्जत से गाते हैं, आई इंसिस्ट। क्या बात है, दो बार इस गाने में इनकी जबान कटी है। बहुत आला यार काशी भाई, अगर जबान पे छाला हो तो फिर कैसे करेंगे। नहीं नहीं यार, बहुत अच्छा गाना है, गुड गेस, वेरी गुड। अगला गाना 200 नहीं नहीं 21 यार, एक पॉइंट तुम्हारा भी है। हाँ हाँ ले लो, 120 मैं जीरो पे हूँ। दिल ये कहे गीत में तेरे गाऊं, साथ ही शुरू हो गई है, ये मुझे ही पता है। तू ही सुने और मैं गाता जाऊं, मुझे पता है। मैं जा रहा हूँ आदि को, मैं गैस कर रहा हूँ साथ साथ। नहीं मुझे नहीं, सुनो, आगे छुपी आगे नजरें फंस जाती हूँ आंखें पॉइंट पे, काजल सुरमा अखियां 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 उड़ीक दियां। नहीं नहीं यार भाई, तुम नहीं भाई कर रहे हो, प्यार भरे दो शर्मीले, प्यार भरे दो शर्मीले ने, जिनसे मिला मेरे दिल को मुझे तड़पाए, प्यार भरे। भजन 211 2 ना 3 नहीं पहुंची नहीं थी वहां तक, नहीं मानी नहीं करूंगी, मामला सीरियस हो गया। 211 तू जो बुलाए सजना मैं बन पतंग चलिया, वो तो शादी गा रही है, छोड़ के सारा जमाना तेरे हम, ओ मेरे मितवा, ओ मेरे ओ गुजरा, तेरा साया तेरा साया हो, तेरा साया जहाँ भी हो सजना, पल के बिछा दूँ सारी उम्र बिता दूँ, तेरा साया जहाँ भी हो सजना, पल के बिछा दूं सारी उम्र बिता दूं। वाह जी वाह, 311 भाई मुश्किल, ये बड़ा मुश्किल गेस था, वेल डन। चलो रे अब जी आज जी जी काशी भाई जी, काशी भाई प्लीज। हे हे जब बहती नदियां शोर करे, मेरा दिल तुझे पे जोर कर, वो गा रही है। आप गेस में आप कर रहे देख के छुट्टी लेके आ जा, आए मौसम रहिले सुहाने, आए मौसम रंगीले सुहाने, आए मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आ जा साजना, हो पहले हमको पहले मुंह अच्छा बनाओ, कम से कम मुंह तो अच्छा बनाएगा, पॉइंट ज्यादा होगा, मुंह अच्छा बनाओ, पहले पे रुक जाओ, चलो मुंह अच्छा। पहले हमको छेड़ रही थी अरे जुल्मी हवा मस्तानी, वापिस आ जाओ, बहुत ऊपर चले गए। पहले हमको
मन की बत्तियां लिखने बैठी, मन की बत्तियां लिखने बैठी, कुर्ता भी गिल्ला गिल्ला, लाचा भी गिल्ला। वो पंजाबी है भाई, तू तीनों पॉइंट ले ले भाई, हमें तेरी तू 300 पॉइंट ले ले यार। नहीं भाई, हम तीनों को नहीं आता, हमें नहीं आ रहा, तीनों को नहीं पता। लटे उलझी सुलझा जा रे बालम, लटे उलझी सुलझा जा रे बालम, मैं न लगाऊंगी हाथ रे। एक्चुअली हमने कभी ऐसे नखरे किए नहीं ना, ये वाले गाने नहीं आते। लट उलझी सुलझा रे बालम, अब हम कहते खुद ही कर लो। अब जो काशी भाई गाना गाएंगे, हाँ, 5 पॉइंट। थैंक्स यार, 5 पॉइंट होंगे, 5 पॉइंट का गाना, वो भी किसी को नहीं आना। अल्लाह करे जी। जन्नत की हूरे तुझ पे फिदा, ये जाने बहारा, जाने बहार, 5 पॉइंट मेरे। क्या गाए नहीं आपने? जाने बहारा रिश्के चमन जी, उनका बदन शीली सुखन है जाने मन। पहली बात मैंने सिर्फ कहा मुझे आता, उन्होंने कहा जाने बहारा। हमने इसको क्या गाना गाओ, ये मौत के साथ क्यों दिला रहा है? सही गाना गाओ यार। मतलब क्या मेरे 5 पॉइंट हो गए तो तुम्हें अजीब अजीब एहसास होने शुरू हो गए? तो गाए ना 7, अब कितने हो गए इनके? आज इनके 9 पॉइंट हो गए। अब बड़ा दस करता हूँ मैं। जाने बहारा रश्के चमन, गुंचा दहन सीमी बदन, ऐ जाने मन जाने बहारा। अब हो गए 9 पॉइंट और हमारे 1-1 हैं, 9-1-1 हो गया। काशी भाई गाना गाएंगे उसके होंगे 10 पॉइंट ताकि हम जीत सके किसी तरह। अच्छा ये बड़े आराम से तुम लोग अपने रूल्स बनाए जा रहे हो, मतलब कानून वानून, इसीलिए तो हमारा शो है, ला कानूनियत, इसीलिए तो हमारा शो है। 10 पॉइंट के लिए गाना गाइए, 10 पॉइंट के लिए। दिन ब दिन बढ़ती रही इस हुस्न की रानाइया, पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जा, रफ्ता 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 वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। अरे अरे तू ले ले, तू ले ले, अपना गाना जो होगा 20 पॉइंट के लिए होगा। अच्छा मजे की बात, इंसान का बच्चा बन को इंसानों वाले गाने का। हिना जी आ गई है 19 पॉइंट पे, मैं आ गया हूँ 10 पे, नहीं 11 पे, 19 11 और आप हो करीब ही हो 1 पे हो। अब जो गाना होगा 20 पॉइंट के लिए। चलो आइए मेरे ख्याल से आखिरी गाना। अच्छा ये अपने अना पे ना लो, खेलो हमारे साथ। 20 पॉइंट अब तो बताता हूँ मैं अभी। ये बस बस ये तुम्हारी गागर, देख मेरा प्यार रंग कर दिया है। गलत गा रहा है, उन्होंने बताया से कभी पानी पिया था प्यासा था मैं याद करो, गाने शुरू से मैंने तुम्हारी गागर से कभी पानी पिया था प्यासा था मैं याद करो। जरा गोरी तुम शर्मा के थोड़ा सा बल खाई थी, हाँ मैं याद करो। अच्छा जी स्पेशल, आप जो गाना गाएगा 50 पॉइंट का। स्पेशल फरमाइश पे एक और गाना 50 पॉइंट के लिए। सुनो वो आज ही आई है सिर्फ। अभी तारों से खेलो चांद की किरणों से चलाऊं,
दोबारा दोबारा अभी तारों से खेलो। इलाज जी जरा शक्ल देखिएगा अभी की। अभी तारों से खेलो, चांद की किरणों से इटलाओ। एक सेकंड मैं पूछना चाहता हूँ आप मुझे, इटलाओ का मतलब क्या होता है? हैं? नहीं गए वे पंजाबी का वर्ड है इटलाओ है, मुंह से मारनी है। आहिस्ता आहिस्ता जी, चले तो कट ही जाए, चले तो कट ही जाएगा सफर। आहिस्ता आहिस्ता चले तो कट ही जाएगा सफर। आहिस्ता आहिस्ता हम उसके पास जाते थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता। मेरे ख्याल से अब जो गाना होगा वो सौ का होगा। सौ का मेरे ख्याल से एक कर लो तो 500 पॉइंट का। नहीं ना, सौ एक आखिरी गाना सौ का। ये जब तक गैस नहीं करेगा ना ये सेगमेंट खत्म नहीं होगा। और जैसे ही गैस करेगा बोला बस ये आखिरी गाना था। नहीं नहीं ऐसे नहीं करता। हिना जी आ गई है 150 पॉइंट पे। 150 पे कहां से आ गई? 100 पे भी नहीं जीत पाओगे। नहीं 150 पे कहां आई आप, 90 पे हैं। 90 के बाद 50 पॉइंट का कर लेना, 140 हो गए। 150 का है आपका गाना, 150 का है। लड़के का दिमाग भाई मैच सही है। ये अभी लहर जो बह गई है, जाने चुपके से क्या कह गई है। ये नंबरों के साथ कड़वा क्यों होता जा रहा है? ये अभी लहर जो बह गई है, बताओ बताओ, जाने चुपके से क्या कह गई है। आपको आता है? हाँ हाँ बजाते रहे, रिकॉर्ड बजाते रहे, रिकॉर्ड बजाते रहे। ने क्या कह गई है मस्त नजरों। नहीं नहीं कैंसिल कैंसिल, मैं बताऊं कैंसिल प्यार भरे नहीं बेटा, मैं कह रहा हूं सारे पॉइंट माइनस जीरो। नहीं नहीं सॉरी ये समा। नहीं 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 बेटा इसने गलत कहा, माइनस वायर जीरो। फिर भी तुम्हारा पॉइंट नहीं है, फिर भी तो ये तो कैंसिल हो गया ना। क्यों अगला गाओ। किसी को भी नहीं आता था कैंसिल। नहीं आता, मैंने बताया ये समा, मैंने पहला गलत बताया तुम्हारा जीरो का कैंसिल, उन्होंने देर से बताया ना। अच्छा भाई 150 के लिए 150 क्या ये समा मौज का आज है हम सफर है, ले चला है कहां। रुक जा वो ये वाला गेस करने की कोशिश कर रहा था। कह रहा यार ये कौन सा गाना ये समा। सॉरी भाई यही गावाया था उन्होंने। अच्छा पहले अच्छा भाई नया गाओ डेट। ओ भाई हाँ। मैं अपने पॉइंट रेट कर देता हूं। नहीं नहीं ये जीत के रहे, कोई लालची नहीं है, कोई मुकाबला नहीं कर रहे। 150 का लाओ आखिरी गाना, प्रॉमिस। आ मुझे अपने दिल से बोला नहीं उतरने ना देना, मैं खुशबू हूँ मुझको बाबा बिखरने ना देना। टेंशन टेंशन की बात ये कि उनको आता है आता है। आगे तक गाऊंगी तो याद आ जाएगा। आगे तक अभी आया नहीं है, अभी आ जाएगा देख लेना। दिस इज अ चांस जो पहले गाते हम दोनों में से। तुम चुप रहो। अच्छा मैं चुप हूं एक दफा और। मुझे अपने दिल से उतरने न देना, मैं खुशबू हूँ मुझको बिखरने न देना, मैं खुशबू हूँ मुझको बिखरने न देना। मैं जिस दिन भुला दूँ तेरा प्यार दिल से, वो दिन नागरी हो मेरी जिंदगी का, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी जो तेरे सिवा दे।
आदि भाई ने बहुत कोशिश की लेकिन लेंथों से हारे आदि भाई सर। ये कोई मुकाबला थोड़ा था, इट्स अ फन एक्टिविटी। अच्छा एक और 500 का गाना। अच्छा तो चेहरा तो सही कर लो, मुस्कुरा तो 250 का करते हैं। नहीं हो गया हो गया जी, कभी कैसीनो में ना लेकर जाना है ना ये। अच्छा चलें, अब ये वो वाला है जो बिक जाएगा, लगा रहेगा स्लॉट मशीन के आगे। चलो अब हम अभी बात क्या आना पे किसी तरह तो कुछ करो। क्या सुने आप मुझसे एक पहेली पूछे, मैं आपसे एक पहेली पूछता हूं। किसी तरह ये होता है जब होस्ट अपनी हार नहीं मानता। हिना जी कोई पहेली आती है आपको पूछे? कोई पहेली आती है? हरी थी मन भरी थी, 9 लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाद में दुशाला ओढ़े खड़ी। कौन है ये? मुझे पता है, हरी धनिया। जी नहीं। हरी थी भी भरी थी, हरी थी मन भरी थी, 9 लाख मोती जड़ी थी, बड़ा आसान है, राजा जी के बाद में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। मोर नहीं, मोर मोर नहीं। अच्छा मैं बता दूं, आहिस्ता आहिस्ता, खाने की चीज है। बुड्ढा। ओह पहुंच गए बुड्ढा। 9 लाख मोती जड़ी थी, तीन स्टेप्स में। ओ भाई तीन स्टेप्स में कसौटी चल रही क्या? नहीं नहीं पहली है। तीन स्टेप्स में जिराफ को फ्रिज में रख के दिखाइए। नहीं रख सकती। मैं तो रख सकता हूँ। हाथी बैठा बंदर। इनको अगला पार्ट पता था पहले। क्या है? मैं नहीं खेला यार। इनको अगला पार्ट पता था। छोड़ यार। आज ही हमारे साथ ड्रामा करना बनता है भाई। बस दे दी, बस आप जीत। एक आखिरी ट्राई कर लो चलो। जो अगर ये जीत गई तो तुम जीत गए तो तुम्हें 2000 पॉइंट। चले। चलो पूछो। एक बंदर है, वो दरख्त पे बैठा है। उसके सामने केले पड़े और बंदर भूखा भी है, लेकिन वो केले खा नहीं रहा, क्यों? बताएं भाई। 2000 पॉइंट ऐसे नहीं जाने दूंगा शो से। बंदर है, भूखा है, सामने केले पड़े, दरख्त पे बैठा है ना। हाँ। भूखा ऑलरेडी खा चुका है, पेट भर गया उसका, भूखा है, भूखा केले पड़े, खा नहीं रहा, सिचुएशन पूरी है। क्यों नहीं खा रहा भाई, क्यों नहीं खा रहा? 10, 9, 8, 4 क्योंकि वो लड़की है, वो नहीं खा रही। बड़े आगे से ही है। तवाज़ुन आपको हमारा कहीं ना कहीं एक जैसा कह रही, क्योंकि वो लड़की है, वो नहीं खा रही। नहीं नहीं लड़का है। केले प्लास्टिक के हैं। देखो मैं तो ऑर्गेनिक में बिलीव करती हूँ। सॉरी प्लास्टिक क्लासिक तो ध्यान नहीं जाता। मैं आपसे माफ़ चाहता हूँ कि गेम आप ही जीते। पहली बार मुझे हार मानने का दिल कर रहा है, वो आज का दिन। मान लो प्लीज, मान लो ना, कहीं ना कहीं तो 150 बुरा कर। बेटा जैसे मैं अपना शो शुरू करूँ तो दोनों को बुलाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूँ अगले गेस्ट के साथ आप आराम से रहेंगे। नहीं जी बहुत अच्छा खेला आपने, वेल डन। अब जल्दी से हमें बताएं कि आपके पास दुनिया के हद तो इम्कान जितने पैसे होते हैं सब आपके पास हैं, ठीक है? आपने एक फिल्म बनानी है, आप उसकी प्रोड्यूसर भी हैं, आपकी मर्जी से कास्टिंग होगी, आप ही डायरेक्टर हैं, सब कुछ आपके हाथ में। पता है कास्टिंग क्या होगी? जरा जल्दी से बताएं। एक हीरोइन है, नहीं दो हीरोइन है, दो हीरो हैं, एक विलन है और एक हीरो तो का दोस्त। अगर मेरी फिल्म में ऐसे हीरोइन ना हो तो फिर? नहीं नहीं हम दे रहे हैं आपको सिचुएशन दे रहे हैं। बताएं दो हीरोइन बताएं और आप खुद भी हो सकती हैं, जो दिल चाहे बताएं। सिचुएशन तो दो, फिर यही कास्टिंग उसके हिसाब से होगी ना। यही सिचुएशन, कहानी कर लिया, वो लड़के लड़की की कहानी आपकी मर्जी है। कहानी भी भाई मेरे पे फिल्म में हीरो होंगे कायद आजम मोहम्मद अली जिना। ओके असली वाले के लिए, अब असली आ जाते तो बड़ी बात होती, लेकिन नहीं सकते, ठीक है? तो अब उसके लिए तो मुझे सोचना पड़ेगा। जाहिद है, जाहिद अहमद। हां बहुत अच्छा ने थिएटर में किया था, बहुत अच्छा किया था 14 अगस्त में। एक उन्होंने भी अच्छा किया था और एक उन्होंने भी, उन्होंने किन्होंने मुझे लंबे से थे, उमर सुल्तान, उमर सुल्तान ने जी। हां लेकिन जाहिद वाले में, जाहिद वाला बहुत अच्छा था, बिल्कुल ठीक है जी। जाहिद जाहिद हो गए तो अब फातिमा जिना होंगी उसमें। हां वो कौन प्ले कर सकती है हमारे यहां? कौन हो सकती है, कौन हो सकती है, बताएं। आपकी कास्टिंग आपके हाथ में, बताइए। शमीमे लाली साहिबा। अरे वाह वाह वाह, सही है, ऑलरेडी हिट हो रही है फिल्म, है ना? हाँ जी। और बताइए। और साथ होंगी अंजुम को जरूर रख लिया। रतन भाई। कौन 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 करेगा? रतन भाई कौन कर सकता है? बताएं जी, बहुत सारा टैलेंट है हमारे पास। रतन भाई यमुना हो सकती है। कौन? यमुना जैदी। यमुना जैदी, यमुना जैदी, ठीक है। और बताइए जी, अब और कौन, कितने कैरेक्टर्स चाहिए मुझे? आप 6 कैरेक्टर्स से, 3 रहेगा, बस 3 बता दें कोई भी कैरेक्टर। कैरेक्टर्स भी सोचूं अब मैं पहले? अभी कब जब बताया था आपने 2 कैरेक्टर्स और लियाकत अली खान साहब, कौन करेंगे? लियाकत अली खान साहब कर सकते हैं, गौहर कर लेगा, गौहर करेगा, वेरी नाइस। सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान, बड़ी मुश्किल कास्टिंग है ये तो। हां बड़े हीरो हैं वो भी मेरे। हां जी ओ लेवल्स में उन्हीं का नाम लिया था जी। बताएं बताएं बताएं। सैयद, और फिर जाहिर सी बात है ये लोग हैं तो इकबाल साहब भी होंगे, दो दो कैरेक्टर आ गए ये बताएं, और फिर एक हमने गांधी भी रखना है, 3 कैरेक्टर बताने हैं आप। तुम फैलते जा रहे हो। बस 3 बता दें, 3 बताए। वेरी सैड, लेकिन अपने नए लॉट में मुझे
कैरेक्टर्स कम नजर आते हैं ना, सब छड़े छाट ही बने हुए हैं। नहीं, सबको हीरो बनने का शौक है ना। फैसल हो सकता है, फैसल में कैपेसिटी है। अरे एब्सोल्युटली, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर। तो वो कौन सा वाला करेंगे? फैसल को मैं अगर करवाऊँ ना तो मुझे लगता है उनका लामा इकबाल करवाऊँ। गांधी जी, गांधी जी गंजे फैसल का पेट भी निकला थोड़ा इंटरेस्ट। गांधी जी तो ऐसे थे। हाँ ठीक है, बड़ा अच्छा कर सकते हैं वो, करेंगे। मुझे ऐसा लगता है उनका लामा इकबाल करना चाहिए, शायर टाइप। हाँ वो भी, वो कुछ भी कर सकते हैं वैसे तो, कर तो सकते हैं लेकिन मजा है, चैलेंज होगा। इस कहानी का नाम क्या होगा? वैसे रतन भाई ना खुद भी कर सकते हैं तो करें ना प्लीज। वो तो ख्याल नहीं आया अपने बारे में। आपने आपको रखवाए आप? हाँ रखने रखने में तो यमुना की डेट्स फारिग कर दें। यमुना तुम आजाद हो, यमुना कॉल करके बोल दे आप फ्री हैं। वो यमुना आपकी डेट फ्री हो। अच्छा फिल्म की कहानी क्या है? फिल्म की कहानी वो है जो है पाकिस्तान कैसे बना, ये कहानी है पाकिस्तान कैसे, पाकिस्तान का केस कैसे जीता गया, पाकिस्तान का केस कैसे जीता गया। फिल्म का नाम बता दें प्लीज। फिल्म का नाम बताइए। मुश्किल सवाल। हीरो। हीरो, अरे वाह, फिल्म का नाम है हीरो। डायरेक्ट कौन करेगा इसको, इतने मुश्किल कहानी को? बड़ी सेंसिटिव कहानी है। सरमत कर सकता है, हाइसम बल्कि कर सकता है। हाँ एरा काम बड़ा अच्छा करते हैं वो। यार ये फिल्म तो मैं देखना चाहूंगा, आप कब कर रही हैं प्लीज? हाइसम तुम कहाँ हो आजकल? हाँ सब ये पूछ रहे हैं, क्यों गायब में हो? मुझे मजा नहीं आता नॉर्मली शोज में जाने का, लेकिन आज बहुत मजा आया। अरे मजेदार था, मजेदार था। अगर जाने से पहले कोई आप मैसेज देना चाहें तो आप प्लीज दे सकती है, कोई अच्छा सा, कोई जबरदस्त सा जो जरूरी समझे। बिल्कुल छोटा सा। जी जी। खुश रहा करें, लोगों की खुशियों में उन्हें खुश रहने दिया करें। अरे वाह। लोगों को दुआएं दिया करें क्योंकि आपको भी दुआओं की ज़रूरत होती है। और अपनी पहचान को मत भूलें, अपनी ज़बान, अपनी तहजीब, अपने मुल्क का नाम जहां भी जाएं रोशन करें, क्योंकि अगर पाकिस्तान है तो हमारी पहचान है, वरना नहीं है। क्या बात है। आदि भाई कोई आपका मैसेज जाने से पहले? मेरा मैसेज ये है कि जब भी आप सड़क पे चलते हैं, हाँ जी, और अगर आपके साथ बच्चे होते हैं तो बच्चों को हमेशा अंदर की साइड पे रखते हैं और खुद बाहर की साइड पे रहते हैं। ये बहुत जाहिलाना हरकत होती है कि आपका बच्चा रोड की तरफ होते हैं और आप अंदर चल रहे होते हैं, खुदा ना खास्ता कोई गाड़ी बाइक रिक्शा। जी जी, पूरी दुनिया में ये चीज राइज है कि आप जब सड़क पे चल रहे होते हैं तो आप उस तरफ चढ़ते हैं जहां से ऑन कमिंग ट्रैफिक, ताकि आपको नजर आए कि गाड़ी कहां से आ रही। तो प्लीज इस बात की। और एक ये जो आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे नहीं पता शायद मैं गलत कह रहा हूँ, गाड़ियों में जो सनरूफ है उसमें से बच्चे बाहर निकले होते हैं। मुझे नहीं समझ आता कि आप अपने बच्चे की जान पे कैसे खेल रहे हैं। खुद ही कहते हैं कि हर जगह तारे लटक रही हैं, हर जगह चीज़ें लटक रही हैं, और फिर खुद ही अपने बच्चों को निकाल रहे हैं, कोई दरख्त की टाली, कोई तार, कोई रस्सी। जब हो जाएगा बहुत रोएंगे आप। ये बहुत फजूल एक्सक्यूज़ देते हैं कि बच्चे को मज़ा आ रहा है। ये मज़ा आने का मतलब ये नहीं होता कि आप पागल हो जाएं। अपने बच्चों को हिफाजत रखें, वो सनरूफ सूरज वाला सन है, बेटे वाला सन नहीं है। ओह वेरी गुड आदि भाई, उम्मीद करते हैं जी आपको हमारा शो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो आप लोग अगले वीक भी ट्यून इन कीजिएगा। जाने से पहले काश भाई आप हमें क्या सुनाने लगे? कभी तो तुमको याद आएगी वो बहारें वो समां, झुके झुके बादलों के नीचे मिले थे हम तुम जहां जहां। कभी तो तुम को याद आएंगे। सदियां बीती फिर भी हमें याद आते हो, सा
के आहट बन के आज भी तुम तड़पाते हो। जिंदगी कितनी बेजार है, तुमने अभी तो मुझसे कहा था तुमसे प्यार है। कहाँ गई वो प्यार की कसमें, प्यार का वादा क्या हुआ। कभी तो तुमको। हेलो एवरीवन, मैं हूँ वरदा शुएब और मैं आ रही हूँ आदि फैजान के दी मजेदार शो पे ओनली ऑन टीवी वन। मजेदार मजेदार मजे मजे मजेदार 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 द मजेदार शो।